हाय एवरीवन। सो बेसिकली अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने को रिजेक्शन की एंट्रीज कैसे करनी है और उसके रेफरेंस में डेबिट नोट कैसे जनरेट करना है। सो जैसे कि आप देखेंगे हमारा IMS सब का क्लियर है, परचेजिंग की एंट्री कैसे लेनी है, कंजप्शन कैसे करना है। सो बेसिकली सपोज कीजिए अगर मटेरियल अगर आपने इशू कर दिया प्लांट को और प्लांट से वापस आया है, पैकिंग यूनिट से वापस आया है वो मटेरियल, सपोज 100 पीस हमने इशू किए थे और 10-20 पीस वापस आ गए हैं, तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको यहाँ पे उस ADX का नंबर सेलेक्ट कर लेना है और आपने सपोज यहाँ पे रिसिप्ट नंबर डाल दिया, ये एक डमी डेटा है, रिसिप्ट नंबर डाल दिया और यहाँ पे आपने लिख दिया सपोज रिटर्न। वो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए रहेगा कि आपने रिटर्न किया हुआ, राइट। ओके, सेकंड आप देखेंगे यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप भी लिखा हुआ। ट्रांजेक्शन टाइप में अभी जो ऑप्शन आ रहे हैं वो रिजेक्ट कंजप्शन के आ रहे हैं, तो इसको भाई आपको यहाँ पे रिटर्न का ऑप्शन भी अपन दे देते हैं। सो आप देखेंगे अगर आप उसको रिटर्न का एंट्री यहाँ पे दे रहे हैं तो क्या रहेगा, यहाँ पे हमारे को हम मैप कर पाएंगे आगे चलिए कि हाँ ये रिटर्न एंट्री है, कंजप्शन की एंट्री नहीं है। आप अपने प्लांट सेलेक्ट कर लिया, दीवाना लोकेशन है। सो बेसिकली आपने यहाँ पे कुछ फिगर्स डाल दी कि इतनी क्वांटिटी है जो रिटर्न होके आई है, और सॉरी इसमें हम निगेटिव फिगर डालेंगे क्योंकि हमारे को ये एंट्री रिटर्न वापस लेनी है अकॉर्डिंग टू दी स्टॉक, क्योंकि हमने ऑलरेडी कंजप्शन कर दिया था और इसके रेफरेंस में हम ये स्टॉक वापस ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी हमेशा क्वांटिटी वो नेगेटिव में क्वांटिटी आप पास करेंगे। सो जैसे कि मैं यहाँ पे एंट्री पास कर रहा हूँ माइनस, ओके जस्ट सेकंड, राइट। सो हम देखेंगे यहाँ पे हमने माइनस की फिगर्स की एंट्री यहाँ पे कुछ की है कि हम इतने स्टॉक को नेगेटिव ले रहे हैं, राइट। नेगेटिव इन द सेंस हम रिटर्न लिया हमने, जो हमारे IMS में वापस ये फिगर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, राइट। सो जैसे ही आप ट्रिगर सबमिट करेंगे तो ये स्टॉक जितनी भी फिगर आपने अभी माइनस में डाली है, दैट मींस ये स्टॉक में आपके प्लस हो जाएगी जाके, क्योंकि ऑलरेडी आपने ये माइनस की थी, अब इसको रिवर्सल एंट्री में हम इसको स्टॉक को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये तो रिटर्न की एंट्री होगी। अब मैं बात करता हूँ अगर रिजेक्टेड मटेरियल आया है आपके पास तो रिजेक्टेड की एंट्री कैसे पास करेंगे आप, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है रिजेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर आप रिसिप्ट की जगह आप टाइप कर दीजिए रिजेक्ट फॉर डेबिट नोट, राइट। यहाँ पे एंट्री किसने पास किया है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया रिटर्न की जगह, इसको कर दीजिए आप रिजेक्ट और एलोकेशन कर लिया। तो अभी यहाँ पर जो एंट्री पास होगी वो एंट्री वही एंट्री होगी जितनी बेसिकली आपने रिजेक्ट किया है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं, यहाँ पॉजिटिव में चाहिए। सो जितना भी आपने माइनस किया था वही सेम एंट्री आपने यहाँ पे प्लस वे में डाल दी, राइट। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये फिगर आपकी आपने एंट्री डाली है, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आपका स्टॉक में ही नहीं है तो आप एंट्री कैसे डालेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ यहाँ पे हमने 5 है स्टॉक में, तो हमने 5 की एंट्री की है, राइट। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 1505 का स्टॉक है, तो हमने 6 पीसेस की एंट्री की है। सो बेसिकली अगर किसी में नहीं है तो वहाँ पे आप 0 कर दीजिए, ऐसे आप इस प्रोडक्ट को यहाँ से हटा सकते हैं। मैंने ब्रीफिंग के लिए 2 प्रोडक्ट ले लिए थे, इसको आप हटा भी सकते हैं यहाँ से। सो बेसिकली अब मैंने 0 कर दिया था, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो 0 कर दूंगा तो ये मुझे कहीं दिखेगा ही एंड एंट्री में कहीं दिखेगा ही, राइट। तो अभी मैंने जैसे कि रिजेक्ट की है कुछ क्वांटिटीज, तो रिजेक्ट होते ही क्या होगा, स्टॉक से सेम फिगर ये फिर से माइनस हो जाएगी और यही सेम फिगर आपकी शिफ्ट हो जाएगी रिजेक्शन वाले पार्ट पर, यानी रिजेक्शन इन द सेंस ऑफ डेबिट नोट वाले पार्ट पर शिफ्ट हो जाएगी और वहां पे आपको दिखा देगा कि आपके पास रिजेक्शन वाले हेड में कितना मटेरियल आ गया। बेसिकली हम चलते हैं वापस यहाँ पे, मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ। सो डेबिट नोट में यहाँ पे डेबिट नोट बैलेंस करके मैंने एक शीट बना रखी है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ कंबाइन में भी। सो ये रिजेक्शन में, तो ये सिस्टम क्या दिखाएगा आपको कि आपने अब तक कितना मटेरियल रिजेक्ट किया उसी क्वांटिटी, कितने के डेबिट नोट बना चुके हैं वो आप समझ आएगा, और टोटल अभी आपको कितना का डेबिट नोट बना है। तो आप ऐसे देखेंगे 0 0 0 आ रहा है, तो यहाँ यहाँ पे हट जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 0। सो हमारा यहाँ से 0 हट गया, तो यहाँ पे बेसिकली वही फिगर दिखेगी जो जिस फिगर के हमारे को अभी डेबिट नोट जनरेट करना। सो डेबिट नोट जनरेट कैसे करेंगे, हम वापस आ गए अपने इंटरफेस पे और आप देखेंगे जो ड्रॉप डाउन है, इस ड्रॉप डाउन में प्रोडक्ट ही वही दिखेंगे जिनके अभी हमारे को डेबिट नोट बनाने हैं। जैसे जैसे डेबिट नोट बनते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट यहाँ से लिस्ट से हटते जाएंगे। तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ये हमने अपने सारे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए जिन जिनके हमारे को डेबिट नोट बनाने हैं, राइट। सो ये हमारी फिगर आ गई। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पे रिजेक्टेड स्टॉक, दैट मीन्स कि जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है उसका रिजेक्टेड स्टॉक इतना है, यानी आपको इतने का आपको डेबिट नोट जनरेट करना है। सो बेसिकली मैंने एक पार्टी का नाम ऊपर सेलेक्ट कर लिया, कुछ डमी डेटा डाल दिया, या मैंने रख दिया इनवॉइस नंबर,
इनवॉइस नंबर आपका 101/103/105 के रेफरेंस में मैं डेबिट नोट बना रहा हूँ। इस पार्टी का गेट पास नंबर हो गया और ये मैंने यहाँ पे डाल दिया कार्टन का ऑर्डर रिटर्न में कर, राइट। यहाँ पे आप अपना एड्रेस राइट, डूअर ड्राइवर का नेम आप यहाँ पे डाल दीजिए और उसका कॉन्टेक्ट नंबर डाल दीजिए। व्हीकल नंबर है अगर तो आप वो व्हीकल नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। जीएसटी कितना लगेगा इसके ऊपर, सपोज आप 12% ले लिया, स्टेट क्या है, स्टेट आपका हरियाणा का है। फ्रेट कितना लगेगा, 300 रुपीज का फ्रेट है। सो आप देखेंगे जो पीच कलर दिया हुआ है इसमें आपको आपका एचएसएन कोड है वो इनपुट करना पड़ेगा, तो मैंने डमी डाल दिया एचएसएन कोड, ये हो गया हमारा। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि 200 पीस दिखा रहा है। बेसिकली आपका डेबिट नोट बनाते टाइम कोई इशू ना हो, गलती ना हो, इसलिए हमने आपके रेस्ट्रिक्शन रखी है कि आप डेबिट नोट भी सिर्फ उतनी क्वांटिटी का बना पाओगे जितनी क्वांटिटी का आपने रिजेक्ट किया हुआ है, जिससे कि आपका IMS डेबिट नोट और ये सारी चीजें स्टॉक साथ में चलते रहे, कोई इशू ना हो। तो अगर मैं यहाँ पे आप देखिए मैं 200 की फिगर डालता हूँ, एंटर हिट करूंगा, तो यहाँ पे दिखा देगा कि डीवी क्वांटिटी एक्सेस दैट रिजेक्टेड क्वांटिटी, राइट। तो सुनो वापस की, अब हम आपके कहते थे 22 तो एक्सेप्ट कर लेगा, 21 भी एक्सेप्ट कर लेगा, बट ये क्या करेगा, आपकी जो क्वांटिटी है जो आप इतनी डालेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब आपकी जो 22 पीसेस से अगर ज्यादा डालते 23 डालते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, 22 डाल दिया, प्राइसिंग डाल दी, सेकंड में नीचे हमने डाल दिया 5 पीस, उसका प्राइस मेंशन कर दिया। यहाँ पे डाल दिया हमने 6 पीस, उसका प्राइस मेंशन कर दिया। और यहाँ पे मैं सिर्फ 2000 जगह 1000 पीस डाल रहा हूँ, क्योंकि ये दो पार्टियों से आया था, 1000 पीस का मैं 100 पीसेस का डाल रहा हूँ, 200 पीसेस की जगह पर, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट पार्टियों से आया हुआ है, तो एक मैं इफॉक्सी का बनाऊंगा और एक किसी दूसरी पार्टी का बनाऊंगा। तो ये डेटा आ गया हमारे पास, अब मुझे यहाँ पे क्या करना, जाके आप इसको यस कर देना। सो अब हम वापस चलते हैं रिजेक्शन वाले कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो फिगर आपको दिख रही होगी, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेबिट नोट जो क्रेडिट डेबिट नोट जनरेट हुआ है पार्टी का, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो भी अमाउंट बैकेंड में स्टोर होगी, जो भी हमने अपने बीच मेंशन किया हुआ बैलेंस, ये देखिए तो हमने किस किस फिगर का कितना बनाया था, हमें बैलेंस फिगर निकल गया, इसका अभी हमें कोई नहीं बनाना, इसका बनाना 100 का भी पेंडिंग है। वापस चलते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे ये भी क्लियर नहीं हुआ है, ये आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। सो बेसिकली आप वापस अगर आप ड्रॉपडाउन में सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे 3 प्रोडक्ट दिख रहे हैं, राइट। तो इन 3 प्रोडक्ट्स में से अगर किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसका स्टॉक 0 दिखाएगा, मतलब कोई रिजेक्शन के लिए है ही नहीं। सो अभी होगा क्या कि कुछ टाइम फ्रेम के बाद, आप शायद मैंने अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया, जैसे मैं इम्प्लीमेंट करूंगा तो जहां पर भी जो बैलेंस रिजेक्शन की क्वांटिटी 0 होगी वो ऑटोमेटिकली यहां से प्रोडक्ट हट जाएगा। अब इसे मैं लास्ट वाला प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूं तो लास्ट वाले प्रोडक्ट में मेरे को 100 पीस की डेबिट नोट जनरेट करना है, तो 100 पीस का फिगर मेरा उठ के आ गया। रेस्ट मेरा यहाँ पे कोई फिगर नहीं रहेगा, मैं फिर क्वान्टिटी डालूंगा यहाँ पे, अपने डिटेल्स फिल करूंगा, यहाँ पे सारी वो पार्टीज रहेंगी जिन जिन पार्टियों का रेफरेंस में आपने मटेरियल इनवर्ड लिया हुआ है, दैट मींस परचेस किया हुआ, तो उनके लिए ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी और आपको यहाँ पे लेके सबमिट करना है, तो ऑटोमेटिकली वो डेटा पैकेट में स्टोर हो गया और यहाँ पे आपकी ये सारी डिटेल आ गई जो भी हमने डाली थी 4 प्रोडक्ट्स के रेफरेंस पे। सो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसका ऑटोमेटिकली आपका इस तरह PDF फाइल ओपन हो जाएगी कि आपने डेबिट नोट जनरेट किया इसका, तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आ गई, पार्टी का नाम क्या है, क्या डेबिट नोट है, प्रोडक्ट क्या है, कितने एचएसएन कोड क्या है, उसकी क्वांटिटी रिटर्न कितनी कर रहे हैं, प्राइसिंग क्या रहेगी, और उसका एक तरह से इनवॉइसिंग बन के आ गई विद जीएसटी, IGST लगेगा, CGST लगेगा, वो आपकी फिगर आ गई, फ्रेट कितना था वो ऐड होकर टोटल वैल्यू आ गई। यहाँ पे आपका मेंशन इन वर्ड्स में डेबिट नोट जनरेट किसने किया उस पर्सन का नाम, तो आप इस डेबिट नोट को डायरेक्टली क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू।